हेलो फ्रेंड्स, स्त्री लवर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियांशु पांडे और स्त्री लवर में आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि एक्टिविटी 4 यानी कि हम प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, जैसे फ्लावर्स को भी खाते हैं, उसके पत्ती को भी खाते हैं, उसके स्टीम को भी खाते हैं, बड को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी 4 है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। यानी यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि जो 1.3 टेबल नंबर 1.3 में जो हमने प्लांट के बारे में इंग्रेडिएंट लिया था, यानी दिस इंग्रेडिएंट कम्स फ्रॉम प्लांट, तो अब हमें क्या करना है, ये लिखना है कि प्लांट के किस पार्ट से आते हैं। जैसे हमने आलू लिखा था, जैसे सपोज कि हमारी सब्जी बना रहे थे तो उसमें हमारा एक इंग्रेडिएंट्स है पोटैटो, तो पोटैटो प्लांट का किस पार्ट से आता है, तो वो रूट से आता है, ठीक है। और कभी कहीं आप लोग देखते होंगे हम लोग की साग खाते हैं, तो साग किस प्लांट से, कौन से पार्ट को आता है, तो वो आता है लीफ से आता है। कहेंगे स्टीम से हम लोग देखते हैं, स्टीम वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसी को हमें नीचे मेंशन करना है, एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, 3 कॉलम बने हुए हैं और 3 रो बने हुए हैं, देखिए दोस्तों। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स सोर्स, इंग्रेडिएंट्स ऑब्लिक सोर्स, थर्ड में है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। पहला है ब्रिंजल करी, इंग्रेडिएंट्स में क्या आता है इसमें, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, एनी अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। अब ये देखिए, तो ब्रिंजल क्या है, ये एक फ्रूट है, चिली एज स्पाइस मतलब मसाले के रूप में ये फ्रूट वाला पार्ट होता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट ये वाला सीड यानी बीज से हम लोग लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल का आप लोग देखे होंगे तो मस्टर्ड ऑयल उसके बीज से निकाला जाता है। यहाँ पे एक और देखते हैं, ये जो गर्ल्स है, पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जानना चाहिए क्या कोई प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कोई अदर सोर्स है जो कि फूड्स का है, हो सकता है, कृपया हमें मेंशन करके इसमें बताएं नीचे, ऐसा कोई है तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इसको पूरी की पूरी ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिविटी 5 में ये, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन द सीड, यस ऑफकोर्स वाई नॉट, ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेज एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट। इतने भी अभी तक हमने इसमें पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मूंग या चने और कुछ और ले सकते हैं, जैसे मूंग चने के अलावा आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, अरहर ले सकते हैं, बहुत सारे जो बीज वाला प्लांट होता है जो उसे ले सकते हैं, और उसको लेके उसको पानी में थोड़ी देर के लिए एक वेसल लीजिए उसमें और उसके अंदर पानी डालिए, उसके बाद ये मूंग और चना को डाल दीजिए, उसके बाद क्या करिए कि उसको एक दिन तक ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद उस पानी को उस वेसल से निकालिए, उसके बाद एक कपड़ा लीजिए, सूती कॉटन क्लॉथ लीजिए, उस क्लॉथ्स में मूंग या चना आपने जो भी लिया है उसको उसमें बांध कर रख दीजिए अगले एक दिन के लिए, और अगर दूसरे दिन आप देखेंगे कि उस चने में से, उस मूंग में से आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद निकला हुआ दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं स्प्राउटेड, मतलब सीड जम जाएगा और उसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्नैक्स, उसको आप एक मतलब उसको बॉयल करके भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, उसको फ्रेश वाटर से एक बार धो लीजिए खाने से पहले, ठीक है दोस्तों। ये आप इमेज देख सकते हैं, जैसे ये देखिए चना में से इमेज निकला हुआ है, स्प्राउटेड चना है ये मूंग है। Do you know where honey comes from? आप लोग हनी के बारे में लोग खाते भी हैं, बहुत सारी जानकारी भी होगी। How it is produced? क्या ये प्लांट से आता है या एनिमल से? Have you seen a
बिहेव्स वेयर सो मैनी बी की बजिंग अबाउट बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इन टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हिप्स। दोस्तों जो शहद होता है उसको हम कहाँ से लेते हैं, उसमें मधुमक्खी के छत्ते से लेते हैं, लेकिन मधुमक्खी कहाँ से लाती है उस शहद को, शहद को मधुमक्खी फूलों से लेकर अपने शहद में अपने छत्ते जो उसके शहद के छत्ते होते हैं मधुमक्खी के उसमें वो ले जाकर इकट्ठा करती है। और हम लोग क्या करते हैं कि उस मधुमक्खी के छत्ते से हम लोग शहद को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बहुत समय लगता है दोस्तों शहद निकालने में, शहद को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है और ये मधुमक्खियाँ डेली मेहनत करती रहती हैं दोस्तों। ठीक है, देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, व्हेन वी फाइंड सच ए बीज वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। सो उन्होंने भोजन स्टोर किया होता है मधुमक्खियों ने, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये इससे क्या बताता है कि जो शहद है वो प्लांट प्रोडक्ट है, यानी ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं सॉरी ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये एनिमल से हम लोग लेते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाते हैं, डू यू हैव कैटल और पेट डेट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग सिंपली, ए कैट अ बुफैलो और ए गोट और ए काउ, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल इट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल पिजन लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड्स। क्या आपने कभी गौर फरमाया है ये छोटे छोटे जानवर गिलहरी चूहे कबूतर छिपकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स, और आप बड़े जानवर की बात कर सकते हैं कुत्ते बिल्ली भैंस काऊ बकरी, ये लोग क्या खाते हैं। इसके रिलेटेड आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे इट इज ऑल्सो गिवेन, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। ये आपके लिए काम है दोस्तों, ये आप उसको करिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, Have a look again at table 1.5 and group the animal entered here as follow. Place animal which eat only plant or plant products in group 1. These are called herbivorous. You know herbivorous? There are some animals which eat other animal. Place these in group 2. These animals are called carnivorous. Carnivorous means those animals which eat as a food. Which eat Another animal as a food is known as a carnivorous. ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं खाते हैं उसको हम carnivorous कहते हैं, और ऐसे जानवर जो प्लांट पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं उसको हम कहते हैं herbivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि दोनों खाते हैं. Place them in group third. उसको group third में रखें. These are called omnivorous. Omnivorous मतलब जो दोनों खाते हैं. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in three columns as shown. ठीक है, carnivorous, herbivorous, carnivorous, omnivorous table 1.6 उसके बारे में आपको लिखना है, और इस टेबल में क्या लिखना है कि बहुत सारी आपको एनिमल्स के नाम दी गई हैं उसके सामने उसके आपको फूड लिखना है। बुफैलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन्स, उसके बाद कैट, रेड लाइन, इस आपको सबको ये वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, वी नो डैट देर आर मेनी अमोंगस्ट अस who do not get sufficient food. We need to find a way by which more food can be grown in the country that will not be enough. There will need to find a way to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. दोस्तों यहाँ पे ये है कि वी नो डैट देर आर मेनी अमंग अस, हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनको सफिशियंट मात्रा में इनफ मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। दोस्तों ये बहुत ही शर्म की बात है कि 70 साल के हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी अभी भी हम अगर हम किसी को भर पेट अपने देश में एक भी व्यक्ति अगर बिना खाए रात को बिना डिनर किए हुए सो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स होता है, ईडीवर मतलब खाने योग्य, नेक्टर मैंने बताया था आपको, जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो फ्लावर से ले आकर अपने लिए खाने की जो जमा करती हैं उसको नेक्टर कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्प्राउटेड सीड मतलब जमा हुआ बीज। हार्बिवोरस जो सिर्फ अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप समझ देख लीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, यानी आप जानते हैं भारत एक अखंड भारत है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को बहुत सारे कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कल्चर यहाँ पे, तो वहाँ की वेराइटी ऑफ फूड स्ट्रक्चर
साउथ इंडियन में जाइएगा तो उधर के लोग अलग ही खाना खाते हैं, नॉर्थ में जाइएगा तो उधर की खान पान अलग है, वेस्टर्न में जाइएगा तो उधर अलग ही है, नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो उधर का अलग ही है। तो देर आर वेराइटी ऑफ वेरिएशंस इन द फूड स्ट्रक्चर ऑफ एवरी इंडियंस। द मेन सोर्स ऑफ फूड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मुख्य सोर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं भोजन के। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। हार्बीवोरस कैसे कहते हैं? एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, तो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे को कहते हैं हार्बीवोरस। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। दोस्तों ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये आपको ही करना है, ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी भी आपको ही करनी है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, थिंग्स टू थिंक अबाउट, इसके बारे में आप सोचिए। दोस्तों अभी देखिए वीडियो में सब कुछ नहीं कराया जा सकता है, आप ये कम से कम एक्सरसाइज करिए। आप अगर कहेंगे तो इसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।